DGX. Wow, it looks like it's going to rain. Or weather starts maybe. Like, I'm damn sure barish nahi hogi jab tak main school nahi pahunchta. Mere school jaane se pehle agar barish ho jaye, that's something to be like, kya bolte hain, tab us din bahut bada kuch hone wala hai, tab kuch aane wala hai, tab jadoo aane wala hai wapas. Lekin mere school jaane se pehle barish ho jaye, would be a really big deal. Until and unless school jana mera pre plan hai, main school nahi ja raha hu, woh alag baat hai. But anyway, I'm back to Rani log. Hope you're all happy. Good morning to you all. We woke up, we are a little sleepy, not full sleepy, little sleepy. दीदी थोड़ी तबीयत खराब चल जो रही है, उसके तो है दीदी टिफिन नहीं बना पाई, तो इसका मतलब ये है आज मैं कैंटीन से खाऊंगा. वाओ, वेरी डेंजरस. पता नहीं, बचपन से यही आदत है. माँ मेरे को बॉर्नविटा दूध पीना है, माँ मेरे को बॉर्नविटा वाला दूध पीना है. भाई मैं अब जिंदगी में ये ट्राई जरूर रखूंगा, चाहे लोगों को करे वो किडिश लगे, कुछ भी लगे, बट जो एक्टिवनेस आती है ना, जो एक्टिवनेस मेरे को आती है आफ्टर ड्रिंकिंग बॉर्नविटा वाला दूध सुबह सुबह, वो पता नहीं बहुत मतलब डिफरेंट हिट करती है. वो कॉफी से भी ज्यादा एक्टिवनेस देती है. तो मैं जब कॉलेज के लिए बाहर भी जाऊंगा, कुछ भी जाऊंगा ना, मैं अपने मतलब जैसे भी मैं रहूंगा, अपने से एक बॉर्नविटा का डब्बा रखूंगा, दूध में डाल के पीऊंगा. ये रूटीन का पार्ट, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग अटैच टू योर रूट. एक तरह की रूट है मेरे लिए बॉर्नविटा, तो आई एम अटैच्ड टू माय रूट. बाकी ये देखो मौसम एकदम काले बादल, एकदम काला काला है, पूरा काला है. बट फायदा नहीं है, बारिश नहीं होनी जब तक मैं स्कूल नहीं पहुंचूंगा. मेरे स्कूल पहुंचते बारिश होगी. मेरे को ये भी लग रहा है कि शायद मेरे स्कूल पहुंचते बारिश ना हो, मेरे स्कूल से आते मेरी जो शाम के प्लान है उसमें बारिश हो. एंड आई माइट गो टू अ पार्टी टूडे, आई माइट गो टू अ क्लबिंग टुडे सोलो, बट सोलो मेरा गेस्ट लिस्ट में नाम है. मेरा दोस्त चंडीगढ़ से आ रहा है विराज, आई डोंट इवन नो IDE क्वेश्चन मार्क, इज अ गिग प्लेयर एंड अ प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर. इफ यू लिसन टू DHH तो यू नो प्रदीप, तो प्रदीप के गाने उसने प्रोड्यूस करे, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. तो उसने पाजी वाड़ा काम थोड़ा नाम लिस्ट डाल दिया. मैंने तू आ रहा मैं आ जाऊँ, तो क्या मम्मा पापा भी मान गए, चले जाएगी कोई दिक्कत नहीं. तब भी एक बार कुछ ऐसी सिचुएशन आज रहेगी ना स्कूल में, आई होप सेटल डाउन रहे, काम डाउन रहे. बींग द बिगर पर्सन obviously will apologize, obviously will accept the mistake, although it's 50-50 mistake, but teacher ko fir ab galat nahi thehra sakte bhai school ke andar specially. ye agar aapne jis din teacher ko galat thehra diya, nikal jaoge school se, to hame wo karna nahi hai. to hum isliye being the person will apologize. kal maine Tanmay Bhatt ka pitai review dekh raha tha, late hu main thoda wo dekhne, but ha bhai main wo dekh raha tha, mera hi man kar raha bhai wo dekh ke ki chalo kar lo prank kar de. maine kaha main ho gaya, mere se bada prank kya ho sakta hai, sabse bada prank yahi hoga ki main aa gaya is duniya mein, isse bada prank kya ho sakta hai ghar walon ke liye. तो मैंने फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया, डार्क हो गया. तो मेरे पास तो मैंने तो एक डार्क जोक पब्लिकली कर दिया, थोड़ा क्रैक लाइफ पे गलत, तो मैं शायद डाल दू. लेकिन वो ये कभी कभी डार्क चीजें लोगों को समझ में आ जाती हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डार्क ह्यूमर वाले नहीं होते ना, वो ऑफेंस ले लेते, इसलिए मैंने थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहा. इट्स अ फैमिली फ्रेंडली वाला डार्क जोक, ठीक है, कोई गाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसका कुछ मतलब गाली से भी नहीं है, उसका मतलब कश्मीरियों से. मैं नहीं चाहता मेरे अगेंस्ट कुछ हो रहा हो, मैं डेंजर में जा रहा हूँ, तो नहीं जा. वेट है, नोएडा में रहता हूँ मैं इन जनरल, ये बोल रहा हूँ बदमाश बदमाश नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ नोएडा में रहता हूँ, कोई आ जाए इधर कश्मीरी, बर्थडे हो जाएगा उसका. एक चीज का मेरे को ध्यान रखना है, जाते ही नहीं खुद से नहीं बोलना कि मैम ये मैटर है, क्योंकि बात थोड़ी बिगड़ भी सकती है. अगर मैम बुलाएंगी तो बात करनी, तो अपनी तरफ से उंगलीबाजी नहीं करनी भाई, पता चले उंगलीबाजी के चक्कर में ही लग जाए मेरे, तो उंगलीबाजी नहीं करूंगा मैं जाते ही, मैं अपना शांत रहूंगा. मेरे को बुलाएंगे मैं चले जाऊंगा, फिर बात कर लेंगे. आई वोंट डू एनी उंगलीबाजी और एनीथिंग, मेरे को एकदम सेफ प्ले करने का है बाबा. बस मुंह हाथ धो लिया, ब्रश भी कर लिया, फ्रेशन अप भी हो गया, सीधा कपड़े पहनते हैं, टाइम है, मस्त एंजॉय करते हैं और क्या. चलो भाई, हमने सोचा चलो जल्दी निकलते, तो हम 7:40 पे निकल पड़े. वाह, आज जल्दी स्कूल जाएंगे. अगर 7:40 पे तो मैं यूजली निकलता हूँ, तब भी पहुंचता मैं 7:55 तक हूँ, एकदम टाइमिंग पे, मतलब जल्दी तो पहुंच ही जाता हूँ. वो एक दो बारी जो लेट हो गया, वो पीछे लेट हो गया, वो चक्कर में बीच में कॉल कर दिया था घर पे, अब उसके बाद अब कॉल कर दिया भाई मेरे घर पे. ये तो यार मेरी जिंदगी कभी सफल चल जाए, बात से बात रही, छोटी छोटी बात, मेरे घर पे कॉल नहीं आएगा तो फिर वो डिस्क्राइब कैसे होगा कि वो वंश भाई की जिंदगी है, वो डिस्क्राइब नहीं हो सकता, वो जस्टिफाइड नहीं है. भाई हल्की हल्की बारिश चालू हो गई, ये तो पीटी हो गई, लेकिन मजा आ गए, भीगते जा रहे, ओए ओए क्या मजे है, यही मजे है, ओए ओए कौन आ गया, यही मजे है, यही मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे भीगता हुआ जाऊंगा, ओए ओए भीग गए पूरा, मजा आ गया. लग रहा क्या पागल हो गए भाई, पागल हो गए तुम्हें, आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय लाइफ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी हैप्पी. भाई पर्सनल ग्रजेस लोग कैसे निकालते हैं, नाइस नाइस स्क्रैच मारा किसी ने, देखो पूरा स्टिकर, नाइस वेरी नाइस, क्या यार. और अब फिर ऐसी सिचुएशन में गाड़ी तो लाऊंगा नहीं मैं कभी स्कूल, सेफ्टी का क्या पता गाड़ी का, अरे तो बाबा उतरते हो तो लोग देखेंगे ना, व्लॉग में भी तो देखेंगे.
तो आती कहाँ गाड़ी से? आई थी मैं। एक बार आई थी ना, तो कहाँ खड़ी करी थी तूने? अगली बार अगली बार नीली रंग की क्रेटा, नीली रंग की क्रेटा मैनुअल गियरबॉक्स। भाई अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे 10th बोर्ड का ये सेंटर था और अपना पुराना स्कूल पर यहाँ से निकल के आगे था। मैं वैसे आन्या को छोड़ने आया था, आन्या की सोसाइटी मेरे पुराने स्कूल के सामने वाली सोसाइटी थी, जो मेरे को अब पता चल रहा है। तो मैंने अब जब यहाँ आया ही हूँ तो मम्मा ऑफिस में बैठी है, ऑफिस भी चले जाते 2 मिनट, फिर इतना आ ही गया तो ऑफिस तो ये बड़े दिन हो गए, ऑफिस भी नहीं गए। भाई ये होता है वेडिंग प्लानर को, देखो 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 किस दिन आके बैडमिंटन भी खेलूंगा इधर। मैंने जब ऑफिस लिया था तब यहाँ पे पीछे डेस्क की साइड एक रील भी शूट करी थी मेरे को यार। बड़ा अब निकलते हैं घर, ठीक है फिर ट्यूशन जाना है, फिर ट्यूशन के बाद शाम को 5:30 मेरा दोस्त आ रहा है प्ले करने, दिल्ली में गिग है उस, ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो उसकी गिग है, तो हम जाएंगे आज रात को प्ले करने। मैं बता चुका हूँ मेरी बात, हाँ बता चुका, और अभी जाके फटाफट एक रील भी तो एडिट करनी है जो डालनी है बड़े भाई, वो भी तो एडिट करनी है, बहुत काम है। बट कोक पियेंगे, ठंडे रहेंगे, काम तो होते हैं, काम तो आते जाते रहते हैं, ठंडा रहना जरूरी है, मेन बात ही। अभी बाल के तो जब से लग रहे भाई, भाई लिफ्ट ही नहीं चल रही, 2 लिफ्ट खराब है, सेंटर वाली चल रही, सेंटर वाली के लिए इतनी भीड़ पहले थी जमाया। मैंने कहा छोड़ो भैया मैं सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, 10 मिनट जो लगेंगे लगेंगे भाई, अपना मस्त हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चल लेंगे। हमें गए आज एक और चीज़ के ऊपर थोड़ा डिस्कशन, पहले तो जो मेरा वाला मैटर था वो तो सॉर्ट हो गया, उन्होंने कहा टीचर को अपॉलॉजी कर दो, सो बिंग द बिग पर्सन मैंने अपॉलॉजी कर दिया। मैंने कहा छोड़ो भाई गलती अपनी भी थी, अपने भी अपने भी थोड़ी एरोगेंस दिखा दी, विच इज रॉन्ग, वी अपोलोजाइज फॉर इट, ऑब्वियसली वी शुड डू इट, हमने अपॉलॉजी कर दी। फिर एक और मैटर हो रहा है, समबडी फ्रॉम आवर क्लासेस क्रिएटिंग अ रकस फॉर नो रीजन एज दे गॉट सम लिबर्टी ओवर समथिंग, तो उस चीज के लिए। लेकिन एक पोपट हो गया, अरे पोपट हो गया, पोपट हो गया गाइस, पोपट हो गया, सीन ये हो गया कि किससे बात कर रही है ये? फ्रेंड से बात कर रही है। अच्छा ठीक है काटो कॉल काटो। जो विराज की गिग में जाना था ना वो कल है, मतलब आप लोगों के लिए आज, मेरे लिए कल, और मैं आज एक्साइटेड हो रहा था। अच्छा है उसका मैंने मैसेज देख लिया भाई, कल है। मैंने कहा हो रहा है भैया, आज ही आके बैठ रहा था मैं तो तुम्हारे इधर, बे मतलब पैसे देने पड़ जाते मेरे को, जबरदस्ती एंट्री है, फिर VIP गेस्ट लिस्ट का फायदा नहीं होता। कल वीकेंड है, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, मतलब हम नाइट क्लबिंग जा रहे हैं पहले, ठीक है थोड़ी करी है, एक दो बार करी है भाई, झूठ नहीं बोले करी है, क्लबिंग करी हमने, बहुत करी है, बहुत भी नहीं करी मतलब अच्छे खासे लेवल पे करी हमने, विच इज रॉन्ग, जो नहीं करनी चाहिए, बट अब राइट एज है तो अब कर रहे हैं, अब राइट एज में आगे कर रहे हैं, जब इंटरेस्ट नहीं है तब जाके कर रहे हैं, बट दोस्त प्ले कर रहा है तभी मैं जा रहा हूँ, वरना आप लोगों को पता है मेरा जीरो इंटरेस्ट है इन चीजों में, मैं फेवर में नहीं रहता ना मैं करता हूँ, बट स्टिल इट इज व्हाट इट इज, कल जाएंगे। अच्छा आज ना क्लास में मतलब स्कूल में ये टूट गया था, मम्मा का दिया हुआ ब्रेसलेट, एंड आई रियली फेल्ट बैड जब ये टूटा, पूरे बीट्स थे, आई वाज लाइक अबाउट टू टीयर अप, यार प्यार से दिया उन्होंने, तो थोड़ा इमोशनल होने लगा था, मेरे दोस्त और मैं मतलब थोड़ी ऐसी हरकतें कर रहा था, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि टूटे ना ये टूटे ना चेन टूटे, वो खींच के छाप में एकदम से गलती से टूट गया, उसकी गलती नहीं थी मेरी गलती थी, बट गॉट अ लिटिल इमोशनल। अरे जा रहा हूँ भाई जा रहा हूँ, तो फिर पहले हमने सारे पूरे कॉरिडोर में जहां मैं खड़ा हूँ वहां से लेके आगे कॉरिडोर के एंड तक बीट्स ही बीट्स, कुछ 21 बीट्स थे, ईवल आई को मिला के बाइट 10 और मतलब 10-20 बाइट्स और एक ईवल आई 21 बीट्स भाई, वो पहले कलेक्ट करे, फिर मेरी दोस्त को जाके मैंने दिया, मैंने कहा प्लीज ये बना दे यार, इट रियली दिस ब्रेसलेट रियली मींस अ लॉट टू मी, उसने फिर मेरे लिए बनाया, सो एज अ गुड विल जेनरस काइंड जेस्चर की तहत पे मैंने उसे एक ड्रिंक ऑफर करी उसके लिए कैंटीन से, लगे ए बच्चा के लिए ना होती है भैया, दूर हो जाओ हमसे, हमसे दूर रहिए, हमसे बकायदा दूरी बनाए रखो, ये देख लो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गिरेगी लगेगी मेरी इरेस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रो, ये देख लो, देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, गिरेगी कुछ होगी ना, अब तो मैं गिरा करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरी देखो मेरी नहीं है, समझा लीजिए, वरना आंटी से बात हो गई मेरी शायद, क्या बात हुई है अभी हुई है क्या? हम क्यों बताएं, मैंने सुना नहीं है, मत सुनो, हुई है ना अमी, सुना नहीं है क्या बात की है, हुई है ना, हाँ, बस हो आंटी बस आ रहा हूँ, हाँ तो आंटी आ रहा हूँ आंटी को भी पता है मैं 15 मिनट क्या होता है, जा रहा हूँ ना दीदी, ऐसा तो नहीं जा रहा ट्यूशन, जा रहा हूँ, जा रहा जाते हो तो जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, हाँ की ना, हाँ की ना, एहसान कर रहा हूँ, हाँ की ना, हाँ की ना, ज्यादा ना बोले ठीक है, सचिन को बुला दूंगा, लप्पू सा सचिन, वो याद कर रहा था आपको सचिन, एमी छोड़ दे यार, गुस्सा आ जाएगा मेरे को, दीदी सचिन याद कर रहा था लप्पू सा, बोलना वाको आवे ना वो वाला याद कर रहा था आपको, जा रहा हूँ भाव की भारी, ज्यादा डॉन बनाओगी, बनाऊ डॉन, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ दीदी यार, पूरी भाई ट्यूशन अच्छे से हो गई है, अरे यार बड़े अजीब लग रहे हैं बाल, ऐसे डायसिस हो जाता है ना, फिर कटाने का मन कर जाता है, पर भाई हो गई है ट्यूशन अच्छे से हो गई है, एंड गुड टू गो नाउ, पढ़ाई कर ली यार, इतनी बीटी सी चढ़ गई ना मेरे को, मैं एक्साइटेड हो रहा था, अब यार अब जाएंगे पार्टी, निकलेंगे घर जाके थोड़ा चिल करेंगे, फिर पार्टी जाएंगे, घंटे की पार्टी जाएंगे, अब कद्दू ना जा रहे हैं पार्टी, भाई हो गई पार्टी अपनी, गलत इसी
सीन बैठ गया भाई यार, शिट भाई। बट ठीक है, एक तरह से सही भी, एक तरह से फन भी हो जाएगा कल, बट एक तरह से बीटी भी है। अपॉइंटमेंट तो हुई, देखो मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट, विराज से नहीं हुई, मेरे को खुद से हुई कि भाई अच्छा खासा मैंने जबरदस्ती अपनी होप्स हाई कर ली थी जो मेरे को करनी नहीं चाहिए थी। एक लेसन मिल गया, इतनी जल्दी अपनी होप्स हाई मत करा करो, पहले पूरी सिचुएशन का टिप निकाला करो, पूरी सिचुएशन जाना करो अपनी होप्स। अबे यार एक तो ये स्क्रीन भी नहीं चल रही आजकल, कभी स्कूटर की डिक्की की दिक्कत, ऊपर से स्क्रीन की भी दिक्कत है। स्कूटी अब खत्म होने की तदार पे, तो मेरे को देनी पड़ेगी सर्विस के लिए। भाई हम सो गए थे अभी जस्ट टुडे, इट्स 10 नाउ। तो कल उधर लंच के लिए बुलाया, मदर ने प्रॉपर इनवाइट आया मेरे को अपने घर की, उसके लिए भी इनवाइट कर रहे मेरे घर वाले मेरे को। ये तो मतलब इज्जत है भाई, मतलब इतनी फॉर्मेलिटी लड़के के साथ भी हो रही है यार, बताओ यार आप, ये फेयर वाली बात है? नहीं ना यार, फिर ऐसा क्यों हो रहा है अपने लड़के के साथ ही अपना फॉर्मेलिटी वाला गेम? इट्स नॉट फेयर यार। देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, देखो 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे मार दिया वो कहता, वो कहता, अरे वो भैया को लाके दिखाओ मम्मा, ये कहता ये कौन सा अम्ब्रेला है? अच्छा इनविजिबल वाला अम्ब्रेला, नाइस। और आने वाला कहाँ है? आने वाले अलग है। अच्छा नाइस नाइस। भाई थोड़ी देर नीचे गया खेले वॉक करने, तो उसके साथ साथ लाइक भी चले गए भाई। 14,000 स्टेप, पसीना पूरा, देखो भीगा पड़ा हूँ, अभी तो सूखा है हल्का था वरना पूरा भीग गया। तो मैंने कहा अरे भैया मजा आ गए। वैसे आज कल लोग ही रैप अप करते हैं, अगर शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रीज ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। अगर मन करे तो दिस वी बाय के वन साइनिंग ऑफ, इनकल कल आते हैं बाय कल, समझते बहुत ही वीडियो ब्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन, आदियोस अमिगो, शबा खैर, टेक केयर। Thank you.